दोस्तों वन ऑडियो ब्रांड के यार इस प्रो 10 मॉडल वाले हेडफोन के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो में आप में से भाई मुझे काफ़ी सारे व्यूअर्स की कमेंट्स मिली कि मैं इसका एक गेमिंग रिव्यू वीडियो भी लेकर के आऊं। तो भाई ठीक है, पिछले कुछ दिनों से मैं इसका गेमिंग टेस्ट कर रहा था। इस वीडियो के अंदर मैं स्पेशली गेमिंग के पर्सपेक्टिव से इस हेडफोन के बारे में बात करने वाला हूं। और भाई इसी हेडफोन की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो में ही आप में से कुछ व्यूअर्स की ये भी कमेंट मिली कि भाई मैं इसका कंपैरिजन एक्सा के इस E3000 गेमिंग हेडसेट के साथ में करूं। तो भाई ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं इसका एक क्विक कंपैरिजन भी करने वाला हूं एक्सा के इस E3000 गेमिंग हेडसेट के साथ में। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद में भाई आपको पता चल जाएगा एक डीजे मिक्सिंग या एक डीजे स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन में और एक गेमिंग हेडफोन में क्या क्या डिफरेंस होता है, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहता है किस सिचुएशन में। भाई वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। और हाँ यार, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, हमारे चैनल पर भाई अभी एक गिव अवे चल रहा है जहाँ पर आप में से ही कोई एक विनर बन सकता है वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन्स का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो भाई यहाँ पर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप जरूर से एक बार गिव अवे वीडियो देख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भाई पार्टिसिपेट के जो रूल्स रखे हैं मैंने वो बिल्कुल सिंपल से हैं, तो जरूर से एक बार चेक कर लेना, पार्टिसिपेट कर लेना, क्या पता आप ही उसके विनर बन जाओ। तो भाई चलिए बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और भाई अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए हो, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर दो ताकि आपको ऐसी ही भाई मस्त मस्त वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों गेमिंग हेडसेट, जब कभी भी गेमिंग हेडसेट या गेमिंग हेडफोन हमारे माइंड में आता है तो सबसे पहले हमारे को ध्यान आता है डायरेक्शनल साउंड का। मतलब यार हम ये चाहते हैं गेमिंग के टाइम में अगर भाई एक पत्ता भी हिलता है ना तो हमको उसकी आवाज़ सुनाई दे जाए कि किस साइड से वो पत्ता हिला है। तो गेमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है कि एनिमी को हम अच्छे से स्पॉट कर सके उसकी फुट स्टेप्स की साउंड के थ्रू, एनिमी किस साइड से गुजर रहा है हमारे कानों के हमें एकदम क्लियरली पता लग जाए ताकि हम उसको अच्छे से स्पॉट कर सके, कहाँ से यार किस डायरेक्शन से फायरिंग हो रही है हम उसको एक्चुअली में पता लगाएंगे, तभी यार हम अच्छे से जो है अपने एनिमीज को किल कर पाएंगे। तो भाई जो गेमिंग हेडसेट्स होते हैं ना वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर के बनाए जाते हैं। भाई ऊपर से गेमिंग हेडफोन्स में क्या फ़ायदा है, यहाँ पर हमें एक कोमो डील मिल जाती है, मतलब इनकी जो वायर होती है ना यहाँ पर हमें एक कंट्रोलर मिल जाता है देखने को, जहाँ से हम वॉल्यूम को है ना कम ज़्यादा कर सकते हैं और साथ ही में माइक्रोफोन को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। मतलब ये गेमिंग के टाइम है ना हमें अच्छे गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है जहाँ पर हमें हर तरीके की फैसिलिटी मिल जाए, हमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो गेमिंग के टाइम में। तो इसी कारण से यहाँ पर कंट्रोलर हमें देखने को मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ है जो डीजे स्टूडियो हेडफोन्स होते हैं या डीजे मिक्सिंग हेडफोन्स होते हैं साउंड मॉनिटरिंग स्टूडियो मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए, इनकी वायर जो होती है ना, एक तो भाई यहाँ पर हमें इनलाइन माइक देखने को मिलता है और ऊपर से इतने सारे कंट्रोल्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते मोस्ट ऑफ द केसेज में। अभी जैसे कि ये वन ऑडियो प्रो 10 हेडफोन है, इसकी जो वायर है इसमें हमें 3.5mm to 3.5mm जैक वाली वायर में ये इनलाइन माइक देखने को मिलता है। लेकिन क्या होता है, जो गेमिंग हेडसेट्स होते हैं जैसे कि E3000 गेमिंग हेडसेट है, इसमें हमें जो माइक्रोफोन देखने को मिलता है इनबिल्ट माइक्रोफोन, इसको हम अपने माउथ के पास है अपने हिसाब से इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब ये पूरा फ्लेक्सिबल होता है, रोटेटेबल होता है, अपने हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो गेमिंग हेडसेट्स में क्या होता है, कुछ बूम टाइप माइक्रोफोन हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन भाई दूसरी तरफ यहाँ पर हमें इनलाइन माइक देखने को मिलता है, तो वायर जो है बिल्कुल भी अगर थोड़ी बहुत हिलती है तो हमारे टीममेट्स को वायर के हिलने की वजह से थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस, थोड़ी बहुत नॉइज है वो सुनाई दे सकती है। तो इस कारण से ये माइक्रोफोन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, यहाँ पर हमें माइक्रोफोन की इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती अगर हम गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको यूज़ करते हैं। अबे लेकिन इनमें ब्रांड की कोई गलती नहीं होती, अरे ऑब्वियस है जब ये गेमिंग के पर्पज़ के लिए बनाए नहीं गए हैं तो इसलिए इनमें गेमिंग फीचर्स नहीं दिए जाते। तो भाई इस समय आप ये जो साउंड सुन रहे हैं भाई वो इस वन ऑडियो प्रो 10 हेडफोन के इनलाइन माइक से रिकॉर्ड हो रही है। अब आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई आपको कैसी साउंड क्वालिटी इसकी सुनने को मिल रही है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर इनलाइन माइक दिया गया है, अगर आप मान लीजिए गेमिंग करते टाइम कीबोर्ड से ऐसे अपने मतलब कोई कीज वगैरह प्रेस कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत भी अगर वायर जो है ये हिलती है तो आपको वायर हिलने की वजह से ऑब्वियस है जो इनलाइन माइक है वो भी हिलेगा, तो उसके हिलने के जो नॉइज़ है ना वो आपके टीममेट्स को सुनाई दे सकती है। तो इस कारण से माइक्रोफोन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हेडफोन्स होते हैं थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं गेमिंग के पर्सपेक्टिव से। अब अगर मैं बात करूँ इक्सा के E3000 की वॉइस रिकॉर्डिंग क्वालिटी की तो मैं फटाफट से उसका भी माइक्रोफोन का सैंपल आपको टेस्ट करवा देता हूँ। तो दोस्तों इस समय आप ये जो साउंड सुन रहे हैं भाई वो इस इक्सा E3000 के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। अब आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई कैसे इसका जो माइक्रोफोन है साउंड क्वालिटी रिकॉर्ड कर लेता है। वैसे मुझे पर्सनली इसका जो माइक्रोफोन है ना काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि भाई ये काफ़ी हद तक जो नॉइज़ होती है वो सप्रेस कर देता है। तो अगर आप कोई ऐसे एरिया में गेमिंग करते हैं, कोई ऐसे रूम में गेमिंग करते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉइज़ आती है बाहर का ट्रैफिक की, तो भाई आपके लिए इसका माइक्रोफोन मुझे लगता है बेस्ट रहता है इस बजट के अंदर। अगर मैं बात करूँ भाई अब इसके एडवांटेज की तो आप खुद देख सकते हैं मेरी बॉडी में अगर थोड़ी बहुत इस तरीके से मूवमेंट
मूवमेंट हो रही है, या फिर अगर आप गेमिंग करते टाइम कीबोर्ड में कीज प्रेस कर रहे हैं तेज तेज, या माउस वाउस हिला रहे हैं, तो यार ये इनलाइन माइक तो है नहीं, तो इसी वजह से ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है। जब तक हम इसको मैनुअली इस तरीके से हाथ से पकड़ के हिलाएं ना, तो यार इसी कारण से हमारे टीममेट्स को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस का सामना करना नहीं पड़ता, बिल्कुल भी उनको माइक के हिलने मिलने की आवाज़ सुनने को नहीं मिलती, जैसे कि हमें वन ऑडियो के इस इनलाइन माइक में सुनने को मिल जाती है। तो यार ये तो हो गए इन दोनों ही हेडफोन्स के माइक्रोफोन के सैंपल्स। अब आप बताना मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके, आपको वैसे पर्सनली किस हेडफोन के माइक्रोफोन की जो वॉइस क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी, ज़्यादा प्यारी लगी। लेकिन दोस्तों अगर हम थोड़ी देर के लिए भाई माइक्रोफोन को साइड में रख दें, अगर मैं ये अज्यूम कर लूँ आपके लिए भाई माइक्रोफोन कुछ फर्क नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में, आपको नहीं फर्क पड़ता गेमिंग में आपकी टीममेट्स को आपकी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है, उनको कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, तो भाई अगर हम खाली और खाली साउंड क्वालिटी की बात करते हैं ना, तो जो वन ऑडियो हेडफोन है भाई इच्छा इतनी है उनको पीछे बिल्कुल छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यार इनका जो बेस है ना वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है इक्सा के इस इथिथाउन गेमिंग हेडसेट के बेस के कंपैरिजन में, और ऊपर से यार इसमें जो हमें मिड्स और हाई सुनने को मिलते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग हमें इसमें सुनने को मिल जाती है, और थोड़ी क्रिस्पी और शार्प वॉइस हमें इसमें सुनने को मिल जाती है। तो यार ओवरऑल साउंड परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे ये हेडफोन थोड़े ज़्यादा प्यारे लगे, ज़्यादा अच्छे लगे इक्सा इथिथाउन गेमिंग हेडसेट के कंपैरिजन में। और भाई ऑब्वियस है क्योंकि ये साउंड मॉनिटरिंग हेडफोन है, तो साउंड सेपरेशन ही काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं, तो अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको उस केस में तो मिलता ही है, साथ ही में गेमिंग में भी इसका बेनिफिट हमें मिलता है, अगर एनिमी किसी डायरेक्शन से गुजरता है तो यार अच्छा सराउंड साउंड सिस्टम होने की वजह से हम इसमें काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट कर लेते हैं, काफ़ी अच्छे से अपने एनिमीज को सपोर्ट कर लेते हैं। तो भाई मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आपके लिए खाली साउंड परफॉर्मेंस मैटर करती है तो आप बेफिक्र होकर के वन ऑडियो प्रो 10 जो हेडफोन है ये ले सकते हैं गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन भाई अगर आपके लिए माइक्रोफोन ज़्यादा मैटर करते हैं, आपको एक ऐसा हेडफोन चाहिए जिसमें आप ये मतलब रोस्टिंग भी कर सकें, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकें, और साथ ही में आपको एक अच्छा RGB लुक एंड डिज़ाइन वाला जो है वो गेमिंग हेडसेट चाहिए, तो उस केस में भाई आप इथिथाउन को थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं, आप फिर इसको बाय कर सकते हैं। तो यार ये था इन दोनों हेडफोन्स के बीच में क्विक कंपैरिजन, मुझे उम्मीद है अब आपकी सारी कंफ्यूजन जो है ना वो दूर हो चुकी होगी, फिर भी अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे भाई वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा भाई, पिछले एक महीने से यार COVID-19 की वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा है, हर ब्रांड के प्रोडक्शन में इंपैक्ट पड़ा है यार इसका। तो यार अमेजन में है ना कोई सा भी हेडफोन हो वो बार बार आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, और उसका जो प्राइस है भाई वो भी कई बार राइज हो जाता है आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से। अब यार आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स मुझसे बार बार पूछते हैं इंस्टाग्राम में DM करते हैं कि अब ऐसे केस में हम कहाँ से बाय करें, तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा, चाहे कोई भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं, अगर आपको वो अमेजन या फ्लिपकार्ट में नहीं मिल रहा है, ज़्यादा महंगा मिल रहा है, तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक कर सकते हैं, वहाँ से बेफिक्र होकर के बाय कर सकते हैं। या प्रैक्टिकली सोचिए, कोई भी ब्रांड कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उनके कस्टमर जो है वो परेशान होए या उनको साथ वो चीट करे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, लास्ट महीने में हमारे भी काफ़ी सारे व्यूअर्स ने भाई इन दोनों ही हेडफोन्स की ऑफिशियल जो वेबसाइट है ब्रांड की, वहाँ से कुछ आइटम जो है, कुछ हेडफोन चाहे ये मॉडल नहीं कोई और मॉडल बाय किया, मतलब करे हैं, और उनको ठीक से जो डिलीवरी है उसकी रिसीव हो चुकी है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आई। बस COVID-19 की वजह से क्या होता है, कहीं में डिलीवरी टाइम ज़्यादा लग जाता है, और ऑब्वियसली आप ये मान के चलना भाई अमेजन से तो ज़्यादा ही डिलीवरी टाइम इनमें लगेगा और आप इनको ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करते हैं। लेकिन भाई आपके पास यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि कंपनी इस समय क्या कर रही है, कुछ प्रमोशनल ऑफर चला रही है अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, जिसके कारण अगर आप मान लीजिए इक्सा का ये 80,000 गेमिंग हेडसेट है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करते हैं, तो साथ ही में ना मैंने इनकी वेबसाइट में चेक किया, और हमारे कुछ व्यूअर्स ने बताया जिन्होंने इनकी वेबसाइट से बाय किया था, उनको कुछ हेडफोन स्टैंड फ्री में मिल रहे हैं, कुछ और ऑफर्स भी आ रहे हैं जो मतलब गिफ्ट्स दे रही है ब्रांड अपनी तरफ से ही। तो अगर आप हेडफोन खरीद रहे हैं जो प्राइस में आप अमेजन से परचेज करते हैं, एक तो आप अगर हमारा गीकी ऋषभ कूपन यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको इंस्टेंट 10-15% का डिस्काउंट मिल जाता है, चाहे आप इक्सा में करें चाहे आप वन ऑडियो की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस करते समय करें, मतलब कोई से भी ब्रांड के में आप इन दोनों में से कोई सा भी हेडफोन इन दोनों ब्रांड का परचेस करते समय अगर हमारा गीकी ऋषभ कूपन अप्लाई करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10-15% का डिस्काउंट मिल जाता है। और साथ ही में भाई वो वेबसाइट पर डिपेंड करता है कि कौन सी वेबसाइट क्या ऑफर दे रही है, इस समय इक्सा की जो वेबसाइट है कुछ हेडफोन स्टैंड वगैरह फ्री में दे रही है जो भी इनकी वेबसाइट से प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो भाई आप बिना टेंशन के इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इन दोनों प्रोडक्ट को एक बार चेक कर सकते हैं, कोई और मॉडल जो है इन दोनों ब्रांड्स का जो है वो चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे व्यूअर्स ने खरीदा, अभी तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई है। और भाई अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी पेंडिंग है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जरूर से कोशिश करूँगा आपकी कमेंट का रिप्लाई करने का। और भाई अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।